जिला योजना विकास और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन आज चंबा के बचत भवन में किया गया। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने की। बैठक में सदर विधायक नीरज नेयर, भरमौर विधायक डॉक्टर जनकराज, उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल व जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत हो रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई और इस बारे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश विभिन्न विभागों को दिए गए। पॉइंट प्रोग्राम की और फंक्शन जो है डीपीडीसी के, जो कि पहला एजेंडा है व्हिच वाज पॉवर्टी इरेडिकेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अंडर एमजी। तो सर मनरेगा इज यू नो डिमांड ड्रिवन कंसेप्ट अगर है मेडिकल कॉलेज और सर आज की जो हमारी मीटिंग है ये मीटिंग पर से हर साल में होनी चाहिए और मीटिंग का मुख्य औचित्य यह है कि जो भी हमारे प्लानिंग रिलेटेड स्कीम्स हैं जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग फंड है, बैकवर्ड एरिया सब प्लान है, VKBNY स्कीम है, विकास में जन सहयोग स्कीम है, उनके जो शेल्फ हैं, उनके जो वर्क्स हैं वो विधिवत इस कमेटी से अप्रूव होने चाहिए ताकि एक प्लान ग्रुप के अंदर ज़िले के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका धीरे धीरे आप आगे बढ़ के उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। मैं अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि जब से चेयरमैन ये नियुक्त हुए हैं तो उसके बाद ये दूसरी मीटिंग हमारी हो रही है। पहली मीटिंग है जिसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जो इससे पहले मीटिंग हुई उस टाइम पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड नहीं थे। तो सर मैं बहुत और समय नहीं दूंगा और मैं EDM साहब से निवेदन करूंगा कि मीटिंग्स की जो प्रोसीडिंग्स है उनको स्टार्ट करें। मुख्यतः सर हम लोग तीन चीज़ों पे आज डिस्कशन रहेगा सर। पहला जो हमारे 20 पॉइंट्स प्रोग्राम के पैरामीटर्स हैं उस पर ज़िले का रिव्यू। सेकेंडली जो हमारे 2017 ऑनवर्ड्स जो भी शेल्फ के काम हम लोगों ने डाले उनका एक फॉर्मल अप्रूवल फ्रॉम दी कमेटी। और तीसरा नए वर्क्स अगर कोई प्रपोज करना चाहता है एंड प्लस जो हमारी पेंडेंसी है विभिन्न विभागों के साथ जो UCs और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिसके पेंडिंग है एक उसके ऊपर थोड़ा सा एक ब्यौरा ताकि जो विभाग है उनसे डायरेक्शन दिया जा सके और उनसे निवेदन किया जा सके कि आप शीघ्र अतिशीघ्र इनके UCCC हमें सबमिट कर दें सो दैट आगे के लिए और पैसा मांगने में भी जो ज़िला है वो स्टेट गवर्नमेंट से सक्षम हो सके। पुनः सर मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो आज इस मीटिंग में आए। दरअसल में मेरा ख्याल जहाँ तक सरकारी सदस्यों का ताल्लुक है आप तो ये डिसेंट्रलाइज जो प्लानिंग है ये जो मीटिंग है 20 पॉइंट प्रोग्राम की इससे परिचित हैं, लेकिन जो नॉन ऑफिशियल ज़्यादातर नॉमिनेट हुए हैं मेरा ख्याल उनकी पहली मीटिंग है। और पर्पज़ आपने आज की इस मीटिंग में इस जो मीटिंग हम करते हैं ये साल में कम से कम दो मीटिंग होने ज़रूरी हैं क्योंकि जो भी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है ब्लॉक के स्तर पर जिला के स्तर पर उसकी सारी जो परमिशंस हैं और अप्रूवल्स हैं वो इस मीटिंग के माध्यम से होती हैं और इस मीटिंग का अधिकार क्षेत्र है कि कहीं कोई फैसला लेके कोई डाइवर्ट करना है, कहीं कोई एडिशनल बजट देना है, वो भी इसी कमेटी के अधिकार क्षेत्र में है। तो मैं आप सबका आभारी हूँ, विशेष रूप से माननीय विधायक मोहनर और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का कि आप सब जो जो नॉमिनेट हुए हैं आज की इस मीटिंग में आप यहाँ आए हैं और उम्मीद है कि जब अगली मीटिंग होगी तो आपका जो ये यहाँ पर बैठ के जो एक्सपीरियंस हुआ है उसे आप जो है सारी कमेटी के अंदर अपने विचारों से सारी इस DCP की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है उसे आप बेनिफिट करेंगे। और जो हमारे ऑफिशियल मेंबर हैं आप तो इससे परिचित हैं, हमने एक ऑफिशियल मीटिंग की थी। कोशिश हमारी ये है कि वैकेंसीज जो है वो जल्दी से भरें क्योंकि कोई भी कार्यक्रम तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कंसर्न जो अधिकारी है वहाँ पर है नहीं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे अभी तक वैकेंसी पोजीशन है जिसकी वजह से भी मैं समझता हूँ UCs वगैरह ये वो जो है इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है और ये डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा है। हमने प्रयास किए हैं, कोशिश किए हैं और उन प्रयासों से अभी लगभग पोस्टें तो भरी हैं लेकिन अभी भी वैकेंसी पोजीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और ब्लॉक लेवल पर है। हमारे ये प्रयास रहेंगे, हमने कुछ निर्णय भी लिए हैं आज जिससे जो है प्रदेश स्तर के ऊपर सरकार के स्तर के ऊपर
जो है जो रिक्तियां भरने की जो प्रोसेस है उसको हम स्पीड अप करेंगे और जल्दी से वो रिक्तियां भरी जाएं, ताकि जो है वो कंसर्न विभाग जो है वो काम कर जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में अपना पूरा योगदान देकर जो गांव के स्तर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सशक्त करने में अपना योगदान दे सके। हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर आए, पता नहीं इनका TA की व्यवस्था है या नहीं है, पर ये होनी चाहिए अगर ये नॉमिनेटेड है। है सर व्यवस्था है, तो इनकी जो TA की जो वो है फॉर्म वगैरह है वो भरवा लें आप, तो जो लोकल लेवल के ऊपर जो इनको जो मिलनी है वो मिले। बाकी जिलाधीश महोदय, आपके यहाँ आपके लेवल के ऊपर, क्योंकि ये मीटिंग तो 6 महीने में होगी, आपके लेवल के ऊपर हर विभाग का रिव्यू होता है, हर स्तर पर होता है, तो कुछ विषय जो हमने यहाँ जो अभी फ्लैग किए हैं वो तो रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी होंगे, और जब कभी वो रिव्यू होगा सेंट्रल स्कीम्स का उसमें भी वो इश्यूज जो है टेकअप किए जा सकते हैं। और मिलजुल कर हम सब के प्रयास ये रहें कि चंबा जिला ये अभी भी एस्पिरेशनल है, रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से बाहर आए उसके लिए हमको मिलजुल कर सबको प्रयास करने की ज़रूरत है। जहाँ तक प्रदेश सरकार का ताल्लुक है, मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो है चंबा जिला की जो हमारे आवाम है और चंबा जिला की जो एस्पिरेशनल जो और जो विकास की जो एस्पिरेशंस है उसको पूरा करने में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम जो है वो होंगे। और इसी प्रकार से हमारी आशय केंद्र सरकार से भी है कि उनसे भी, क्योंकि अभी तक जो बजट, क्योंकि तभी तक ये एस्पिरेशन से बाहर आएगा जब बजट अलॉटमेंट जो है अच्छा होगा, तो अभी तो मेरे ख्याल 32 से 35 करोड़ का अलॉटमेंट होता है आपका विभिन्न विभागों के स्तर पर, जो ना के बराबर है, तो इसलिए जब तक लास्ट स्केल के ऊपर बजट का अलॉटमेंट नहीं होगा तब तक एस्पिरेशन के टैच से बाहर लाना चंबा जिला को एक मैं समझता हूँ मुश्किल काम है। उस दिशा में काम होंगे और जो है मिलजुल कर हम कोशिश करेंगे कि चंबा जिला एस्पिरेशन से बाहर आए और जो जरूरतें आवश्यकताएँ हैं वो पूरी हों। दूसरा जो हमारे पास है भी है बजट, वो जल्दी से खर्च हो, वो भी अभी तक खर्च नहीं हुआ जो हमने देखा है, तो इसलिए जो विभाग हैं वो इस बात को सुनिश्चित करें कि जिन योजनाओं के लिए जो बजट स्वीकृत हुआ वर्ष 2011 से लेकर जो है खर्चा नहीं हो रहा है, UC नहीं मिल रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है, तो इसलिए उस तथ्य को भी जो है ध्यानपूर्वक सभी विभाग देखेंगे। और जो आपने यहाँ पर कमिटमेंट दी है कि 6 महीने के अंदर अंदर हम जो है सारे दे देंगे, आई होप कि यू विल कम्प्लाई विद दोस एश्योरेंसेस, और अन्यथा फिर आपको पता ही है जो एश्योरेंस कम्प्लीट ना हो तो क्या होता है।